पास इसमें पूरा बना हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कनेक्शन करना है। क्या करना है? कनेक्शन करना है, ठीक है। तो वायर लेके आओ। जब आपको क्या करना है, यहाँ पे VCC ऑलरेडी दी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपके पास सप्लाई है ऑलरेडी, इसके अंदर सेट है। अब आपको सिर्फ दो कनेक्शन करने हैं इसके अंदर, अलग अलग जितने कॉम्बिनेशन का। हार्टले ऑक्सीलेटर में होता क्या है, जैसे आप कॉलपिट ऑक्सीलेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर होता है। हार्टले के अंदर क्या होता है, दो इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, जो आपके पास सर्किट में बना रखा। दो कैपेसिटर इस सर्किट को, पूरे को सर्किट को क्या बोलते हैं, बताओ? फीडबैक सर्किट। क्या बोलते हैं? फीडबैक सर्किट। ऑक्सीलेशन जनरेट करवाने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है भाई, आपने क्या किया है कि यहाँ पे एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाया, एम्पलीफायर को क्या वापस फीडबैक सर्किट ऐसा बनाया ताकि वो किसी तरह काम करे, ऑक्सीलेटर की काम, ऑक्सीलेटर की तरह काम करे। तो ऑक्सीलेटर की काम करवाने के लिए क्या जरूरी है, पहली बात कि इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों का क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, तीसरी बात इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी सेम होती है, फेज सेम करवाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, वापस आउटपुट को इनपुट डालने के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव फीडबैक यूज लेते हैं ऑक्सीलेटर में, ध्यान रखना। और वापस एम्पलीट्यूड सेम करवाने के लिए क्या लेते हैं, जितना भी आपके गेन का आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, उसी वापस उल्टे मतलब 1/A के फैक्टर का क्या लेंगे, यहाँ पे फीडबैक सर्किट लेंगे। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/A, तो बीटा ए इक्वल टू 1, या फिर बोल दे सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती है, उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अब सारा कनेक्शन क्या हुआ है, एक तो आपको आउटपुट का कनेक्शन करना है, और इनपुट के अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सी और एल का, वो आपको। सबसे पहले मैं सी का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलता हूँ, कितना, 0.47 का। तो ये 0.47 यहाँ पे सी ऐड करना, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे इंडक्टर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। वायर तो निकाल के दो, उधर से बैठे आराम से बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी दोनों इंडक्टर लगेंगे वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों के रिजोनेंस के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहले वाला इंडक्टर का, ये हो गया पहले वाला इंडक्टर, ये हो गया सेकंड इंडक्टर, यहाँ पे आपने दोनों क्या किया, 5 mH के क्या कर दिए, यहाँ पे इंडक्टर दोनों ऐड कर दिए। कैपेसिटर मैंने कौन सा किया, 0.47 माइक्रोफैरड का, और इसने 5 mH क्या कर दिया, मैंने इंडक्टर ऐड कर दी। तो ये मैंने फीडबैक सर्किट तो मैंने इसका कंप्लीट कर दिया, रेडी कर दिया, ठीक है। बाकी सारा सर्किट कंप्लीट है, अब आपको आउटपुट कहाँ पे लेना है, यहाँ पे। तो आपको अलग अलग टेबल बनानी है अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया हुआ यहाँ पे, कि कैपेसिटर का पहला कॉम्बिनेशन 0.47, पहले L1 L2 कितना 5 लिया, फिर 0.1 माइक्रोफैरड 5, ठीक है ना, फिर 0.57 10, ठीक है ना। अब कैसे भी कॉम्बिनेशन लेना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या लेना, आउटपुट लेना, तो आउटपुट का पॉजिटिव ये रहा और नेगेटिव ये, और इसका कहीं पर भी लो, इसके ऊपर ले लो, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब देखो सी कॉम्बिनेशन, अब आपको फेस बनाना है, इसमें वापस वही वोल्टेज वाली क्या कर दो, चेंज कर सकते हो स्केल, ठीक है। इसके इसमें एसी लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, एक्स वाई पोजीशन है, और एक्स की एक्स के लिए कहाँ गई, एक्स पोजीशन, ये रही एक्स पोजीशन, इसकी सेट कर सकते हो इधर से उधर, इसको छोटा कर देते हो, और इसके टाइम पीरियड कहाँ गया, ये रहा टाइम पीरियड, छोटा कर दो ये टाइम पीरियड छोटा, इसको ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं आए, तो अभी तो हमारे ऐसा हाँ, तो वो तो आपको बटन सेट करने पड़ेंगे, वही है वापस, वो इदर इदर वो अलग टाइप का है, वो भी आपके पास क्या CRO है, ये भी CRO ही है, सारे बटन है उसमें अलग टाइप के दे रखे हैं, इसमें अलग हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है ना। सारे बटन का काम वही, ठीक है। बन गई, ट्रेस बनाया, वी पीक टू पीक लिया, वो का वो कितना वोल्टेज, उसकी कितनी पीक है, ठीक है ना, उसको उसकी स्केल से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है, और बस उसका लिख लो, एक इसके लिए बनाया, इसमें लिख लो सी कितना इसके लिए, और L1 L2 कितना है, ले लिया। फिर आप वापस क्या करोगे यहाँ से, अब ये एक कॉम्बिनेशन, इसके दूसरे कॉम्बिनेशन, इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यहाँ पे ये C2 C1 ये कर दिया, और बाकी वो का वो रखा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, इसको टाइम पीरियड थोड़ा स्केल कर छोटी कर देते हैं वोल्टेज की, ये बन गया, ठीक है।
बन गया वापस यहाँ से पीक पीक वी पीक टू पीक कितना है जितना भी आ रहा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो उसकी कितनी स्केल हो गई 0.2 वोल्ट ठीक है और टाइम पीरियड नोट कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है बस ये आपको नोट करना है इसके लिए सी कितना है ले लो और L1 L2 कितना ले लो फिर वापस क्या करना है अब ये किसके लिए हो गया C1 और C2 ये एक कॉम्बिनेशन के लिए हो गया अब आप क्या करोगे दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए तो वापस C1 और C2 इधर अब ये क्या करोगे इधर और तो क्या कर दो इधर से कर दो बस ये आ गया दूसरा कॉम्बिनेशन वापस यहाँ से इसको थोड़ा अच्छा बना दो दिखने में अच्छा होना चाहिए थोड़ा ठीक है बस इसका ले लो बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना वोल्टेज ये लो ठीक है बना दिया वापस लिखो वापस C2 से कॉम्बिनेशन के लिए लो ये बन गया सो थोड़ा छोटा कर देते हैं और छोटा कर दो स्केल बढ़ा दो थोड़ी टाइम पीरियड की बस हो गया ठीक है सबके लिए अलग अलग है ध्यान रखना स्केल चेंज हो रही है ठीक है बस ये हो गया हार्टले ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेशन जनरेट कर रहा है ये ऑक्सीलेशन आ गए अब उस ऑक्सीलेशन क्या करोगे थोड़ी के लिए और थर्टी के लिए फ्रिक्वेंसी निकालोगे जो दोनों की आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए थोड़ी के लिए फॉर्मूला ये आपके पास है 1/√LC और प्रैक्टिकल के लिए आप क्या देखोगे वहाँ से फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड आएगा उसका 1/√T कर देना क्या आ जाएगा फ्रिक्वेंसी आ जाएगी अगर दोनों की इक्वल आ रही है तो आपका प्रैक्टिकल सही है अदरवाइज ठीक है